हम लोग जो है अपनी धरोहर को बचा कर रखेंगे, जहाँ तक जो भी लड़ाई लड़ना होगा उसके लिए हम लोग जो है संकल्प कर चुके हैं। सन 2000 में 12 फरवरी को यहाँ पर तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की और तमाम शिलालेख पाली भाषा में लिखे और प्राकृतिक भाषा में सब मिले, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण जी ने के द्वारा वहाँ पर इसको संग्रहालय स्थापित किया गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम मऊ में है। मऊ बौद्ध महोत्सव प्रत्येक वर्ष किया जाता है और आज भी बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था। मैं सारे लोगों को ये बौद्ध महोत्सव और गौतम बुद्ध विहार मऊ कला तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष 12 फरवरी को बौद्ध महोत्सव में आएँ और महापुरुषों के विचारों को बढ़ाएँ। साथियों यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाया गया है, बहुत बड़ी पहल है मऊ बौद्ध महोत्सव की कि यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर सम्राट अशोक स्तंभ को लगाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लगाया गया, और इसको लेकर के काफ़ी सभी लोग उत्साहित हैं। हम बात करेंगे, सर कैसा लग रहा है सर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित किया आप सब लोग ने? हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित जो हुआ है जी, इसमें जो है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, इसमें SC BC समाज के जो भी लोग हैं, इसमें सबका सहयोग है, सबके सहयोग से यह स्तंभ लगा हुआ है। और इस स्तंभ से एक मैसेज आता है, जो सम्राट अशोक की धरोहर पूरे भारतवर्ष में जो है थी, उसको जो है कुछ मनवादियों लोगों ने जो है विलुप्त करना चाह रहे हैं। उनके विलुप्त करने से जो है यह धरोहर विलुप्त समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि सम्राट अशोक का शासन पूरे जो है मौर्य वंश का जो शासन है वह पूरा जो है 10 पीढ़ियों तक जो है चला है, और यह जो है कोई भी जो भी चाहे जो है कि समाप्त करने के लिए इतना जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगा। यह ऑलरेडी जो धरोहर है अपनी, उस धरोहर पर हम लोग जो है अपनी धरोहर को बचा कर रखेंगे, जहाँ तक जो भी लड़ाई लड़ना होगा उसके लिए हम लोग जो है संकल्प कर चुके हैं कि धरोहर को किसी भी एक भी अंग का नुकसान नहीं होने देंगे, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, और दिन दुना रात चौगुना जो भी करना होगा उसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाए हैं यहाँ पर लोगों ने, और काफ़ी जो है शानदार है, काफ़ी भव्य है, और ऐसा लगता है कि भारत देश में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेज़ी से पनपा है। क्या कहेंगे सर, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाया गया, बौद्ध महोत्सव भी हो रहा है, क्या कहेंगे? ये जागरूकता है, ये जागरूकता है। जब हेनसांग और फाहियान आए थे और उन्होंने यहाँ लिख कर गया कि यहाँ प्राचीन यहाँ विरासत है, और उसके बाद यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम आए और खुदाई कराए, और जगह जगह तमाम नालंदा से लेकर तमाम बहुत सारे बुद्ध विहार भारत में खोजे गए, और उसी जागरूकता की वजह से है कि यहाँ आम जन जो है उसको पढ़ी देखी और समझी कि हाँ यहाँ किस तरीके से आपकी प्राचीन धरोहर है। और उसी में सन 2000 में 12 फरवरी को यहाँ पर तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की और तमाम शिलालेख पाली भाषा में लिखे और प्राकृतिक भाषा में सब मिले, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण जी ने के द्वारा वहाँ पर इसको संग्रहालय स्थापित किया गया। ये जो स्थान है मऊ कला बुद्ध विहार के नाम से स्थान है, इसके नाम से बुद्ध विहार के नाम से खतौनी भी सरकार द्वारा बनाई गई, और यही है, इसी के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जो भी जमीन के नीचे से प्राचीन अवशेष शिलालेख और धरोहर मिल रही है, लोगों को जागरूक करके इसके माध्यम से कि अपनी राष्ट्रीय धरोहर को बचाएं और संरक्षित करें और पुरातत्व का सहयोग करें, और जिससे कि हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारा इतिहास भी और आगे बढ़े। प्रतीक का जो चिन्ह लगा है, इससे आने वाले समय में हमारे बहुजन समाज के इतिहास को जो लोग ध्वस्त कर रहे थे, एक पहचान लगाई गई है। आने वाले समय में हम सब समिति आयोजक मिल करके फैसला लिए हैं कि हर वर्ष किसी न किसी महापुरुषों के यहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी और अपने इतिहास को पुनः स्थापित किया जाएगा, और हर वर्ष की बात आने वाले समय में इससे भी भव्य और बेहतर कार्यक्रम करके अपने क्षेत्र में बौद्धमय बनाने की ज्ञान का एक
कारण कारण सिद्धांत जो भगवान महात्मा बुद्ध ने दिया, यहीं से विज्ञान का आविष्कार जननी हुआ। बिना कारण कारण सिद्धांत का कोई कोई कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जो यहाँ पर विश्लेषण किया गया। और इस कारण कारण सिद्धांत से विज्ञान और संविधान दोनों के दोनों मजबूत होंगे और दिशा में जो है आने वाला जनरेशन विकास के प्रगति पर मार्ग पर प्रशस्त होगा। अपने धरोहरों को पहचाने, अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें और भारत देश में जिन महापुरुषों ने भारतीयता को पनपाया है, उसको डेवलप किया है, लोगों के बीच में करुणा मैत्री प्रज्ञा और शील का भाव पैदा किया है, तो उस कारवां को आप भी बढ़ाएं मिलकर के। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताने का काम करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।